हाय दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपका भाई फिर आप लोग के लिए एक नए कंटेंट के साथ लेके आया है। बीजी के बारे में जानने के लिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें, बीच में वीडियो स्किप ना करें। अगर बीच में वीडियो स्किप करते हैं तो आप लोगों को फुल डिटेल पता नहीं चलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। भाई चलिए आइए, बिना टाइम वेस्ट किए वीजे के बारे में बात कर लेते हैं। वीज़ा कहाँ का, क्या पोजीशन है, क्या वैकेंसी है? तो ये भी भाई वीज़ा जो है यूरोप कंट्री का, अभी कंटिन्यू मेरे पे यूरोप कंट्री का वीज़ा आ रहा है। तो जो बंदे अब यूरोप जाने वाले हैं, जो इंटरेस्टेड है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका मैं काम करवा दूंगा यूरोप का। बस जो है सीरियस बंदे होना चाहिए, जिसके पास पैसा हो वही अप्लाई करे भाई, क्योंकि इसका चार्जेस मालूम नहीं है। क्योंकि यूरोप का जितना भी आ रहा है 2.5 लाख 3 लाख से कम चार्जेस नहीं आ रहा, तो इतना मान के चलिए आप लोग 2.5 लाख 3 लाख चार्जेस लगेगा, तभी आप लोग यूरोप जा पाएंगे। तो इसके अंदर जिसके पास पैसा है वही इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर जो है 30,000 एडवांस मांगा है ऑफिस वाला, बिना एडवांस का काम नहीं होगा इसके अंदर। पहले आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि जो बात है क्लियर, बाद में आप लोग बोलेंगे नहीं मेरा काम करवा दो, मैं बाद में पैसा दूंगा, ये हो, तो इसके अंदर ये सब नहीं चलेगा भाई। इसके अंदर पहले ऑफिस वाला मेंशन कर दिया है 30,000 एडवांस काम होगा। आप लोग को अगर अच्छा लगेगा करवाना होगा तो करवाएंगे, नहीं कराना होगा तो कोई बात नहीं, दूसरी वैकेंसी देखेंगे। आप लोग बोलेंगे बाद में मैसेज करके, भाई ये तो फ्रॉड है और एडवांस मांग रहा है ऑफिस वाला, ये वो। तो इसमें भाई जो ऐसा अगर इस तरह के बंदे हैं तो लोग SMS मत करें, क्योंकि इसके अंदर मेंशन किया है एडवांस चाहिए। जब एडवांस देंगे तभी काम प्रोसेस होगा, क्योंकि इतना बड़ा काम ना बिना एडवांस का कोई ऑफिस वाला करेगा नहीं। जो करता है वो समझ लीजिए फेकी है। और वर्क परमिट बोला है, वर्क परमिट वीजा है, प्रोसेसिंग टाइम 3 महीना है। 3 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है भाई। ये वीजा जो है रोमानिया का है। रोमानिया यूरोप की बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत से बंदे ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं भाई। तो रोमानिया जिसको जाना है वो अप्लाई कर सकता है। ये भी वेयर हाउस हेल्पर का काम है, ठीक है भाई। जिसको रोमानिया जाना है ये भी वेयर हाउस हेल्पर का काम है। और सैलरी जो इसके अंदर 600 USD से 650, 600 साढ़े 600 तक सैलरी है, और USD डॉलर में सैलरी है इसकी। और इसका जो है रहना खाना है, और खाना भी इसके अंदर दिया है, रहना भी वो कंपनी का है, ठीक है। पूरा पैसा बचेगा आप लोग का, ओवर टाइम मिला के 800-900 तक डॉलर कमाएंगे आप लोग, क्योंकि रोमानिया में जो ओवर टाइम बहुत अच्छा है। पासपोर्ट फोटो, PCC अपोसिटर CV, तो इसके अंदर भी PCC मांगा है भाई, क्योंकि जितना भी यूरोप कंट्री का वीजा जेन्युइन वीजा जो आ रहा है उसके अंदर PCC आप लोग को मस्ट कराना पड़ेगा। क्योंकि PCC कराने के बाद वर्क परमिट मिलता है, एम्बेसी से इसमें स्टम्पिंग होता है, तो एम्बेसी ठीक है। और इसमें जो मांगा है डिटेल में बता दिया हूँ। प्रोसेसिंग टाइम 3 महीना, और वर्क परमिट वीजा है 2 साल का वर्क परमिट वीजा लगेगा आपका। वेयर हाउस हेल्पर का काम है, 600 साढ़े 600 USD डॉलर सैलरी है, और 8 घंटा ड्यूटी है, और रहना है, खाना है, फूड है, एकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, सब कंपनी की तरफ से आप लोग को दिया जाएगा। और इसके अंदर पासपोर्ट फोटो PCC CV में 3 चीज चाहिए आप लोग को। और जो बंदे जाना चाहते हैं रोमानिया वो बंदे अप्लाई कर सकते हैं, मगर इतना चीज का ध्यान दीजिएगा आप लोग भाई, क्योंकि बिना एडवांस का काम नहीं होगा इसके अंदर। क्योंकि पहले इसके अंदर एडवांस बोला है 30,000 एडवांस लगेगा, और पासपोर्ट उसको इतना डॉक्यूमेंट PCC चाहिए, उसके बाद ही प्रोसेस चालू होगा आप लोग का। और 3 महीना प्रोसेस टाइम है भाई, क्योंकि यूरोप का ना इतना जल्दी काम नहीं होता। बहुत से बंदे बोलेंगे भाई मेरा 1 महीने में करवा दो, मेरा 25 दिन में करा दो, तो इतना तो भाई गल्फ का दुबई का वीजा आता है एम्प्लॉयड, उसमें 1.5 महीना 2 महीना लग जाता है। कुवैत का भी 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है। तो इतना आसान नहीं है कि इतना जल्दी यूरोप का वीजा मिल जाएगा आप लोग को। जो बंदा बोलता है मैं फटाफट करा दूंगा, सोच लिए समझ लीजिए फर्जी है। जो टाइम लगेगा, जिसमें टाइम लगेगा, जो वैकेंसी में उसमें टाइम क्लियर कट काम होता है, उसमें अच्छा काम होता है। तो इसमें जो बंदे एग्री करते हैं, जितनी टर्म कंडीशन है, एडवांस है, PCC है, पासपोर्ट है, सब कुछ है, जो बंदे इतना टर्म कंडीशन एग्री करते हैं उनको मैं चार्जेस बताऊंगा। चार्जेस ऑफिस वाले से भी पूछा नहीं हूँ, कि कोई बंदा भी जस्ट आप वीडियो बना रहा हूँ के बारे में, जो बंदा हमसे मेंशन कर पूछेगा हाँ मैं एग्री करता हूँ, मैं कराऊंगा काम, तो मैं उसको मैं बात कर लूंगा ऑफिस से, वो मेरे को PDF भेज देगा अपना, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, फिर मैं उसको ऑफिस में विजिट करा दूंगा पासपोर्ट के साथ, विजिट करके एडवांस करिए, उसके बाद अपना आपका काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई वैकेंसी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, खुश रहिए, ओके बाय।